हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गए हैं एक नया ब्लॉग। आज ब्लॉग की शुरुआत में ही मैं अपनी प्यारी की प्यारी यूट्यूब फैमिली को देना चाहता हूं ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे धूमधड़ाके के साथ हमारे देश में मनाया जा रहा है। तो भगवान का आशीर्वाद मेरे पूरी यूट्यूब फैमिली के मेम्बर्स के ऊपर बना रहे, सभी की इच्छाओं को पूरी करे भगवान और इस संसार में सुख और शांति बांटे। और हमारे लिए हमारे व्यूअर्स और हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और आज हमें लाइव हमारे सब्सक्राइबर भी मिले, तो आप लोगों से भी मिलवाना चाहूँगा उनको। तो बोलता हूँ आज चल पड़ो आप। बहुत फैन है तो खुद देखते रहते हैं बहुत। अच्छा, ज़्यादा हाँ, बाणी ठीक है, बीमार होती रहती है पर बाणी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो कोई नहीं, पक्का। हाँ जी ठीक है, कोई नहीं है ना। तो ये हम आए हुए थे अपने यहाँ पे, लोकल एक लोकेशन है, शिवद्वाला नाम है यहाँ पे। और भगवान भोलेनाथ जी का एक टेंपल है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और साथ ही साथ देखिए लक्ष्मण झूला भी बना हुआ है शिवद्वाला में। तो यहाँ पर हमें हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं। तो एक छोटा सा सब्सक्राइबर हमारा है, इस भाई का नाम है अंशु, और आपके क्या नाम है? सिया। तो ये हमारे चैनल को मतलब डेली बेसिस के ऊपर देखते हैं, तो कैसा लगता है आपको? सच्ची बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो उसमें एडिटिंग वगैरह हम करते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत सिंपलिसिटी में बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस फैमिली है, बहुत अच्छा लगता है हमें तो आपका चैनल देख के। अच्छा अच्छा, वैसे आप नालागढ़ में रहते हैं? हां जी, नालागढ़ में। और है कहां के? यहीं के लोग? यहीं के। हां जी, हम रिउर के हैं, ऊपर के जरूर के। हां जी, अच्छा अच्छा। रिउर में भी आपके काफी फेमस मंदिर है माता रानी का? हां जी हां जी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इन प्यारे प्यार छोटे छोटे से बच्चों से मिलके। और ये डेली हमारे चैनल को देखते हैं, तो खुद भी देखते रहते हैं। जैसे कि मम्मा बता रहे हैं कि भाई इन्होंने हमें पहचाना यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब इस तरह से हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल जाएँ अलग अलग जगह पे। तो पता चलता है कि लोग हमें किस तरह से प्यार करते हैं, हमारे डेली बेसिस के चैनल को सपोर्ट करते हैं हमें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, और आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो यू ही हमारे चैनल को आगे से आगे मतलब देखते रहिएगा और हमारा सपोर्ट भी कीजिएगा। पता नहीं कुछ दिनों से हमारे सब्सक्राइबर पता नहीं क्यों नाराज हैं, व्यूज भी बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं आजकल। चलो चलता रहता है। तो आजकल एक्चुअली ऐसा है, स्कूल भी खुल गए हैं, पहले कोरोना टाइम में स्कूल बंद थे तो बच्चे ज़्यादा देखते रहते थे। तो आपको आप हमारे ब्लॉग में भी आ जाया करो आप। तो ये तो बात रही हमारे सब्सक्राइबर की, और सच्ची में दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ लाइव मिलते हैं और बताते हैं कि हमें आदत हो गई है आपके ब्लॉग्स को देखने की। जिस तरह से हम कोई सीरियल टीवी में देखते हैं, उसी तरह से जब तक आपके ब्लॉग को हम ना देखें डेली बेसिस पर, तो हमें तसल्ली नहीं होती। तो और काफ़ी अप्रिशिएट भी किया इन्होंने हमारे काम को, बोला कि बहुत ही अच्छे ब्लॉग आप बनाते हो, बिल्कुल सिंपल से रहते हैं आपके ब्लॉग और हमारे दिल को छू जाते हैं। तो सच्ची में बहुत ज़्यादा धन्यवाद इन सभी लोगों का जो हमें इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करते हैं। आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और न्यू लोकेशन, तो बिल्कुल ये नई लोकेशन नहीं है, आप लोगों के साथ ऑलरेडी हमने शेयर की हुई है अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में। तो ये धर्मपुर का हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है हमारे धर्मपुर में, और इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं देना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ के MLA साहब हैं, ठाकुर महेंद्र सिंह जी, IPH मंत्री हैं वो हिमाचल प्रदेश के। तो हम हॉस्पिटल में इसलिए गए हुए थे, इस बात को मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को। हमें काम था, BMO ऑफिसर होते हैं मेडिकल लाइन के, उनकी सिग्नेचर और उनके स्टैंप लगनी थी एक कागज़ के ऊपर। एक्चुअली हमारी दुकान का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया था, और शॉप का लाइसेंस जो है वो लोकमित्र केंद्र में काफ़ी ईजिली बन जाता है, लेकिन सबसे पहले मेडिकल बनवा के लाना पड़ता है जो भी आपके तहसील लेवल का हॉस्पिटल होता है या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो हमारी तहसील धर्मपुर है, इसलिए हम यहाँ पे करवा रहे थे अपना ये मेडिकल। तो मम्मी का मेडिकल यहाँ पे करवाया, उसके बाद लोकमित्र केंद्र में भी गए हुए थे। तो आज जो भी हमारे काम अटके हुए थे काफ़ी डेज से, वो कम्प्लीट किए मैंने पूरे के पूरे काम। इससे आगे भी यूँ ही कंटिन्यू बने रहेगा हमारे आज के ब्लॉग में। आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खास और ज़बरदस्त लोकेशन। तो क्या है वो जगह, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए आगे मौसम की बात की जाए तो आज मौसम उतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई हमारे एरिया में, और पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। तो जगह जगह पर बहुत ही ब्यूटीफुल झरने बने हुए हैं, तो मैंने भी अपनी गाड़ी को यहाँ पर रोका और कुछ मैंने पिक्स क्लिक की हुई है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में।
काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था हमारा काम, हमारा जो दुकान का लाइसेंस है वो बन नहीं रहा था, लेकिन आज कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छा लगा। और किसी को भी अच्छा लगना ही होता है जब उनका लंबे समय से कोई अटका हुआ काम पूरा हो जाए। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि धर्मपुर के हॉस्पिटल का विकास किस लेवल पर हो रहा है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। और साथ के साथ धर्मपुर की कुछ ये वादियाँ आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, और साथ के साथ आप लोगों को आगे मैं दिखाऊँगा जो हमारे सब्सक्राइबर लाइव हमसे मिले वो कहाँ पर मिले। एक्चुअली हम जब घर की तरफ वापस आ रहे थे धर्मपुर से, तो ये जगह का नाम है शिवद्वाला, और यहाँ पे प्राचीन काल का ये काफ़ी अच्छा मंदिर है भोलेनाथ भगवान जी का। तो जब यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने और मम्मी ने प्लान बनाया क्यों ना मंदिर के अंदर जाएं और माथा टेक कर आएँ, तो यहीं पर ही इसी लोकेशन पर हमारे सब्सक्राइबर हमें मिले। और साथ के साथ आप व्यू देखिए कितना प्यारा लोकेशन है ये, और पिकनिक स्पॉट भी हो सकता है काफ़ी बढ़िया। अगर आप लोग बोर हो रहे हो अपने घर पर तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। और साथ के साथ देखिए बरसात का टाइम चला हुआ है और ये रेत के इस तरह से यहाँ पर टीले बने हुए थे, तो मेरे को तो काफ़ी मस्त लग रहा था ये। बाकी हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे आसपास के ही यहाँ के लोकल एरिया के, उनको मैं बता देता हूँ कि ये लोकेशन कहाँ पर पड़ती है। अगर वो जाना चाहते हैं तो धर्मपुर से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह आती है शिवद्वाला के नाम से, और अभी शिवद्वाला का पुल भी आएगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पुल के बिल्कुल लेफ्ट साइड से ही सीढ़ियाँ हैं निचली तरफ को, सिर्फ उन सीढ़ियों की हेल्प से आप लोगों ने नीचे को जाना है। और आजकल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फिसलन भरा बना हुआ है रास्ता, बरसात का मौसम चला हुआ है, तो जैसे ये देख सकते हैं आप मम्मी जा रहे हैं मंदिर की तरफ, तो फिर मंदिर के लिए इस तरह से ये सीमेंटेड रास्ता है और आप लोगों को सामने दिख जाएगा भोलेनाथ जी का ये मंदिर। लोकेशन के क्या ही कहने, आप खुद खुद एंजॉय कर सकते हो पूरे के पूरे इस नेचर के ब्यूटीफुल नज़ारे को। और जो भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स हमारे लोकल के हैं यहाँ पर आना चाहते हैं तो उन लोगों को मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी है इस चीज़ की। और साथ के साथ ये बहता हुआ पानी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वैसे तो आजकल के मौसम में आप लोगों को पता है बरसात का टाइम पीक पॉइंट के ऊपर चला हुआ है, तो आजकल दूरी बनाकर ही चलना चाहिए इस तरह से इन खड्ड और नालों से, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा साफ था इसलिए हम गए हुए थे यहाँ पर। और आज जन्माष्टमी का पर्व भी है इसलिए हमने माथा टेका यहाँ पर मंदिर में। मुझे नहीं पता आप लोगों को हमारे ये आज का ब्लॉग भी पसंद आएगा या नहीं आएगा। मैंने एक हफ्ते का एनालाइज़ किया अपने चैनल का, तो जो हमारे एक हफ्ते का रिजल्ट है उसमें आप लोगों ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, नहीं हमारे ब्लॉग्स को लाइक किया। अगर कुछ इस तरह की कोई गलती है तो आप लोग बता सकते हो, कोई सुजेशन हो, कोई राय हो किसी भी तरह की तो जरूर बताइएगा, और देनी भी चाहिए आप लोगों को राय, क्योंकि जिस तरह से हम आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं एक प्यार और सपोर्ट की, तो उस तरह से आप भी हमें बता सकते हो। कल आने वाला है बहुत ही खास ब्लॉग आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है जन्माष्टमी आज धूमधड़ाके के साथ मनाई जाएगी, तो आने वाले कल के ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, और काफ़ी स्पेशल रहेगा। हमारी बिटिया रानी बानी बहुत ही नटखट और शरारती काना बनी हुई है, आप लोगों के साथ कल मैं शेयर करूँगा हर एक चीज़। तो आज के ब्लॉग की कर रहा हूँ यहीं पर ही एंडिंग। कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग शुरू बताइएगा। और अब ये चीज़ मैं बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है मुझे कि आप लोग हमारे
ब्लॉग्स पर अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आप लोगों को शायद हमारे ब्लॉग्स अच्छे ही नहीं लग रहे हैं, तो अपनी अपनी सोच है। बाकी वो बोलते हैं कि आप अपने काम के ऊपर ध्यान रखिए। आप ही लोगों के कमेंट आते हैं कुछ, और दिल को सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने काम के ऊपर ध्यान दिया कीजिए आप, बाकी जो रिजल्ट है अपने आप मिल जाता है। तो बस उसी राह पर चले हुए हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ भी, और नहीं लगे अच्छा तो लाइक भी मत कीजिएगा। यही मैं बोल सकता हूँ, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा आप लोगों को। तो करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग है, पर ही मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।